तो अब एक कमेंट मेरे पास आया था कि सर मैं हेयर ऑयल कैसे लगाऊं, कब लगाऊं, कौन सा टाइम सही होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना दी जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सब चीज़ें बताने वाला हूँ। बाकी अगर जो आप भी चाहते हो किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल मैं कमेंट से ही वीडियो के जो है टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यार ये तो हमें पता ही है कि हेयर मसाज करने से, ऑयल मसाज करने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इतने सारे लोग डिफरेंट तरीके से ऑयलिंग करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि गीले बालों में तेल लगाते हैं, कुछ लोग सूखे बालों में तेल लगाते हैं, कुछ लोग रात को सोने से पहले तेल लगाते हैं, कुछ लोग नहाने से पहले तेल लगाते हैं। तो लोग इतने अलग अलग तरीक़ों से तेल लगाते हैं कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि सही तरीका कौन सा है। और अगर जो ये सारे ही सही तरीके हैं तो इन सब का फ़ायदा क्या है, तो आज यही सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। बाकी हेयर केयर और फिटनेस फैशन से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इंस्टाग्राम पर भी मैं ग्रूमिंग की बहुत सारी वीडियोज़ डालता हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, पुनीत त्यागी ऑफिशियल मेरा यूज़र नेम है। बिना किसी विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि यार ये जो हेयर ऑयल्स है, यानी कि जो ऑयलिंग आप करते हो, उससे सही में कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है। तो बिल्कुल सरल भाषा में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो आप हेल्दी डाइट लेते हो ताकि आपकी बॉडी बने। सेम चीज़ आपके बालों के साथ है। ये जो ऑयलिंग है ये आपके बालों को स्ट्रेंथन करते हैं, नरिश करते हैं और आपके बालों को थिक करते हैं। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ऑयलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बालों को ग्रो करने से लेके, नरिश करने से लेके। अगर जो आपके ड्राइनेस है, फिजीनेस है, कुछ भी है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है ऑयलिंग आपके बालों के लिए। अब आता है असली क्वेश्चन, हाउ यू विल ऑयल योर हेयर, यानी कि आप अपने बालों में ऑयल कैसे लगाओगे। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये स्टेप है कि आपको जानना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट हेयर ऑयल कौन सा है आपके स्कैल्प के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर जो आपका ग्रीसी है स्कैल्प बेसिकली आपका सर है, कि अगर जो आपका जो स्कैल्प है वो ऑयली है, ग्रीसी है, जैसे कि कोकोनट ऑयल, वहीं अगर जो आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है और मॉइस्चर की ज़रूरत है, तो ऐसे में आप हैवी ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हो, आप जोजोबा ऑयल यूज़ कर सकते हो, आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बाकी कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो। और यार मुझे ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप अपने बालों को ग्रो करने के लिए कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करते हो, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो, और मैं आपको बताऊँ कि वो चीज़ सही में फ़ायदेमंद है या नहीं है। अब जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आप जब भी कोई भी ऑयल, अब आपने फर्स्ट स्टेप में ये देख लिया है कि आपका स्कैल्प कैसा है, उसके लिए आपने ऑयल सिलेक्ट कर लिया है। अब उसको आपको अप्लाई इस तरीके से करना है कि जो सा भी ऑयल आपने सिलेक्ट किया अपने स्कैल्प के हिसाब से, उसको आपको गर्म करना है, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नॉर्मल गर्म करना है। और उससे फिर आपको अपने बालों में मसाज करनी है 15 मिनट तक। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आपका ऑयल जो होता है वो गर्म होता है तो वो ईजिली पेनिट्रेट करता है स्कैल्प के अंदर, यानी कि आसानी से आपकी जड़ों में जाता है और वहाँ पर आपके रूट तक पहुँच के नरिशमेंट करता है, और साथ के साथ वो एरिया बहुत ज़्यादा कवर करता है, तो इससे इफेक्ट भी एक बहुत अच्छा पड़ता है। अब जो तीसरा स्टेप है और जो फाइनल स्टेप है ऑयलिंग का, वो ये है कि यार आप 15 मिनट के लिए आपको जैसे ऑयलिंग करनी है, तो ऑयलिंग करने के बाद जैसे आपने 15 मिनट ऑयलिंग करा, उसके बाद आप एक कपड़ा बांध दो सर पर या फिर एक टावल आप सर पर बांध सकते हो। उसके पीछे का रीज़न यही है कि जिस टाइम पर आप उसको टावल बांधोगे तो वो वॉर्म रहेगा, उस टाइम पर वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा नरम रहेगा, जिसकी वजह से जो पोर्स हैं आपके स्कैल्प के वो ओपन अप हो जाएंगे, यानी खुल जाएंगे, जिससे कि आपके बालों में जो इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा, यानी कि अच्छे से नरिशमेंट होगी आपके बालों की और चांसेस बढ़ जाएंगे जल्दी से आपके बाल ग्रो हो जाएंगे। और इन सब चीज़ों को करने के बाद जो फाइनल चीज़ रह जाती है वो है बालों को वॉश आउट करना। तो अब जब आप बालों को वॉश आउट करोगे, यानी कि जब आप बालों को धोगे, तो मेक श्योर जो पानी है वो या तो नॉर्मल टेम्परेचर का हो या फिर ठंडे टेम्परेचर का हो, वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, ल्यूकवॉर्म भी नहीं होना चाहिए इस टाइम पर। और जो भी आप शैम्पू यूज़ करोगे, मेक श्योर उसके अंदर केमिकल किसी भी टाइप का, चाहे वो पैराबेंस हो, चाहे वो सल्फेट हो, कुछ भी इस टाइप से ना हो। और उसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखी है, आपको पता ही है, खादी का भी आप यूज़ कर सकते हो, वाओ साइंस का भी यूज़ कर सकते हो, मामा अर्थ का भी, बायोटिक का भी, तो ये सब विदाउट केमिकल वाले शैम्पूज़ हैं, इनको यूज़ कर सकते हो आप। और एक चीज़ और मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ कि अगर जो आप हैवी ऑयल यूज़ कर रहे हो, हैवी ऑयल यानी कि जब मैंने आपको बताया था आपका ड्राई स्कैल्प है, तो उस केस में जो आपका ऑयल है वो सिर्फ आपको 3 घंटे रखना है बालों के अंदर, यानी कि आप नहाने के लिए अगर जो आप 2 बजे जाओगे तो आपको 11 बजे 10 बजे के करीब ऑयलिंग करनी है। वहीं अगर जो मैं बात करूं नॉर्मल जो स्कैल्प था, तो उसके लिए आपने एलमंड ऑयल यूज़ किया था या फिर आपने कोकोनट ऑयल यूज़ किया था, और उसको आप रात भर के लिए भी लगा सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जो हैवी ऑयल्स लगा रहे हो तो सिर्फ 2-3 घंटे आपको अपने सर में रखना है, नॉर्मली आप लाइट ऑयल्स को भी 2-3 घंटे रखो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर जो कुछ लोग होते हैं कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो आप रात को ऑयल को लगा कर भी सो सकते हो। अब मैं आपको 2 मिस्टेक्स बता देता हूँ जो आपको नहीं करनी है ऑयलिंग के बाद। एक तो ये है
कि आपको ऑयल ज़्यादा नहीं करना है। ये जो पहली मिस्टेक है वो यही है कि आपको ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। रीज़न बीइंग, अगर जो आप ऑयल ज़्यादा यूज़ करोगे इसका मतलब आप उसको बालों से निकालने के लिए शैम्पू ज़्यादा यूज़ करोगे, यानी कि केमिकल अल्टीमेटली आपके बालों में जा रहा है। दूसरी चीज़, जो नेचुरल ऑयल है आपके बालों के अंदर, जब आप शैम्पू यूज़ करोगे, उसको बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करोगे, तो नेचुरल ऑयल भी आपके जो स्कैल्प से फ्लश आउट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अब जो दूसरी मिस्टेक आप करोगे जो नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि जब आपने मसाज कर ली है अपने बालों में, आपके स्कैल्प में अच्छे से फिंगर से मसाज कर ली है, तो आपके जो बालों का वेट है उस टाइम पर हैवी हो जाता है ऑयल की वजह से, और वो थोड़ा सा झुकने लग जाते हैं वेट की वजह से, और एट दैट टाइम आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम पर दे आर मोर लाइकली टू ब्रेक एट दैट टाइम। तो आपको उस टाइम पर कॉम्ब नहीं करना है किसी भी हाल में, नहीं तो आपके बाल टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है मेन कि आपको गीले वालों में ऑयल लगाना है या सूखे वालों में ऑयल लगाना है। तो देखो, जैसे मैंने आपको वैसे पैटर्न बताया था, वो सबसे बेस्ट था कि आप जो हो रात को ऑयल लगा सकते हो या फिर नहाने से 3 घंटे पहले ऑयल लगा लो, ये सबसे बेस्ट पैटर्न होता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं होते हैं, यानी कि उनका मन करता है या फिर उनकी एक हैबिट होती है कि नहाने के बाद उनको ऑयल लगाना ही होता है। और ऐसा मैं समझता हूँ 90-95% लोग हैं जो नहाने के बाद ऑयल लगाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, अगर जो आपको एक हैबिट है नहाने के बाद ऑयल लगाने की, तो आप उसको रिप्लेस कर दो सीरम के साथ। तो सीरम आप ले लो, किसी भी कंपनी का सीरम ले सकते हो, वो लाइट होता है, बालों के ऊपर ही ऊपर रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि जब आप नहा कर निकले हो और आपके बाल गीले हैं, और अगर जो आप उन गीले बालों में ऑयल लगाते हो, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न, आपकी सतह पे ऑलरेडी पानी है, यानी कि आपके स्कैल्प पे ऑलरेडी पानी है, तो जब आप ऑयल लगाओगे, पानी और ऑयल मिक्स कभी होता नहीं है, तो आपका जो ऑयल है वो ऊपर रह जाएगा और बालों के अंदर, यानी कि स्कैल्प के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं करता है, यानी रूट्स तक नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को ड्राई होने का वेट करना है कि कब वो ड्राई हों। जब वो ड्राई हो जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद, उसके बाद आपको ऑयल लगाना है, जस्ट इनकेस आपकी एक आदत है नहाने के बाद ऑयल लगाने की। अदरवाइज़ तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको सीरम यूज़ करना चाहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो लाइट भी होता है, वो सिर्फ आपके बालों तक जाता है ज़्यादा। अब आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी ऑयलिंग से रिलेटेड, वो सारी क्लियर हो चुकी होगी। और इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिनको बालों की प्रॉब्लम है, जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनके बाल ग्रो नहीं हो रहे हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।